हेलो गाइस, वेलकम टू आज एनिमेट्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्टर इफेक्ट बनाना सिखाऊंगा ब्लेंडर के अंदर अंडर 5 मिनट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एक मिनट। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर करें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें एक सर्फेस चाहिए, इन दिस केस अ प्लेन। इसे मैं स्केल कर दूंगा 5 टाइम्स बाय प्रेसिंग एस। उसके बाद मैं टैब प्रेस करूंगा ताकि मैं एडिट मोड में चला जाऊं। मेक श्योर कीजिएगा कि आपका प्लेन सिलेक्ट हो। उसके बाद एडिट मोड में जाके आपने 2 प्रेस करना है ताकि आप एज सिलेक्ट पर आ जाएं, ठीक है। और ये वाले एज सिलेक्ट करके ई प्रेस कर देना है ताकि ये एक्सट्रूड हो जाए। और उसके बाद आपने जेड प्रेस करना है ताकि ये जेड एक्सेस पे एक्सट्रूड हो जाए। आई गेस समथिंग लाइक दिस वुड बी नाइस। उसके बाद फिर से आप ऑब्जेक्ट मोड में जाइएगा, कंट्रोल ए प्रेस कीजिएगा और इसकी स्केलिंग को अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से आप एडिट मोड में आए बाय प्रेसिंग टैब। ये वाली एच सेलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करें और इसको बेवल कर दें, समथिंग लाइक दिस। और इसको मैं 3 सेगमेंट्स भी दे दूंगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद राइट क्लिक करें और शेड्स मोड इसे कर दें। सो हमारी जो सरफेस है या ग्राउंड है वो बन चुका है। अब इसके ऊपर प्रोजेक्टर इफेक्ट बनाते हैं, बहुत ईजी है। सिंपली कोई भी लाइट ऐड करें, जो भी आप चाहते हैं, स्क्वायर, स्पॉट, ठीक है। इन दिस केस में एरियल लाइट ले आता हूँ। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ और रोटेट कर देता हूँ वाई एक्सिस पे 90 डिग्रीज, और इसको थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ। अब आपने से अपनी इमेज की स्केलिंग के आसपास को लाइट को स्केल करना है, यानी मेरी इमेज स्क्वायर नहीं है, वो रेक्टेंगल टाइप है, तो मैं इसे थोड़ा सा रेक्टेंगल बना दूंगा, समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, उसके बाद मैं इस लाइट पे शेडर ऐड करूंगा। तो मैं शेडिंग पे जाऊंगा, लेकिन अब मैं यूज नोट्स पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप लोगों का यूज़ नोड ऑप्शन नहीं आ रहा तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप साइकिल्स पे जाएं, क्योंकि अगर आप साइकिल्स पे नहीं होंगे और ईवी पे होंगे तो आपका यूज़ नोड का ऑप्शन नहीं आएगा। वंस यू आर इन साइकिल, एज यू कैन सी यूज़ नोड वाला ऑप्शन हमें दिख रहा है। नाउ आई एम गोना गो टू एडिट प्रेफरेंसेस, आई एम गोना गो टू एडऑन्स एंड सर्च फॉर नोड रेंगुलर एडऑन। इसको आप इनेबल कर दें और सेफ प्रेफरेंसेस कर दें। उसके बाद मैं अपनी लाइट को सिलेक्ट करूंगा, मैं अपने इमिशन शेडर को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल टी प्रेस कर दूंगा। एंड एज यू कैन सी वी हैव एडेड 3 नोड्स, इमेज टेक्सचर, मैपिंग एंड टेक्सचर कोऑर्डिनेट। अब जो हमारा इमेज टेक्सचर है, इस पे हम अपना इमेज अप्लाई करेंगे। सो आपने अगर अपनी इमेज डाउनलोड कर दी है या आपके पास पहले से पड़ी है तो उसे एक स्पेसिफिक जगह पे ले जाएं। फिर आप उस ओपन पे इस पे क्लिक कीजिएगा और जहां पर भी आपने वो इमेज डाउनलोड की है वहां पर आप सिंपली जाइएगा और सिंपली उस इमेज को सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो मैं ये वाली इमेज लाना चाहता हूँ, तो मैं इस पे डबल क्लिक कर दूंगा और हमारी इमेज ऐड हो गई है। मैं सिंपली रेंडर सेटिंग्स पे जाऊंगा एंड एज यू कैन सी इट इज़ टू डिम एंड द स्ट्रेंथ इज़ टू लो। तो मैं सिंपली लाइट सेटिंग्स पे जाऊंगा एंड आई एम गोना इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द पावर, आई गेस 1000 वुड बी नाइस। अच्छा, ये उस टेक्सचर के कलर्स तो अप्लाई कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली इमेज नहीं इस पे अप्लाई हो रही, बिकॉज हमारा जो स्प्रेड वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। जो हमारा प्रोजेक्टर होता है वो एक ही स्पॉट पे इमेज को प्रोजेक्ट करता है, लेकिन ये तो हर जगह प्रोजेक्ट कर रही है। तो मैं सिंपली स्प्रेड वैल्यू को कम कर दूंगा एंड एज यू कैन सी हमारी इमेज आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म हो रही है। तो इसकी स्प्रेड वैल्यू को मैं 0 कर देता हूँ एंड हमारी इमेज ऐड हो चुकी है। सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा मैपिंग नोड पे और इसकी रोटेशन को मैं कर दूंगा चेंज लाइक दिस -90 एंड उसके बाद आप इसकी स्केलिंग और वो सारा कुछ आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास स्क्वायर में है, अगर आप चाहते हैं कि ये सर्कल पर आए तो सिंपली डिस्क पे क्लिक कर लीजिएगा एंड एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास सर्कल प्रोजेक्टर इफेक्ट आ चुका है, लेकिन मैं मोस्टली रेक्टेंगल या स्क्वायर ही रखूँगा। सो या दिस इज़ नाइस। उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ जो है वो मैं थोड़ी कम कर लेता हूँ 500 एंड या दिस इज़ नाइस। तो गाइज, ये था हाउ टू मेक अ प्रोजेक्टर इफेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं स्लाइड को रोटेट वगैरह करूँ तो ये प्रोजेक्टर की तरह एक्ट कर रही है। अगर मैं इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट ले आऊँ, इसको रोटेट कर देता हूँ, सो एज यू कैन सी ये उसी प्रोजेक्टर का इफेक्ट ले रही है। अगर मैं एक्स एक्सिस पे जाऊँ तो हमें पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पर एक क्यूब है, अगर हम गौर से देखेंगे तब पता चलेगा। सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।